जादुई बर्थडे केक का पेड़। ये कहानी मीरपुर नामक गांव की है। मीरपुर में वैशाली नाम की एक 6 वर्षीय छोटी बच्ची रहती थी। वैशाली स्वभाव से बहुत ही चंचल थी। पूरा गांव उसको बहुत प्यार करता था। उसके माता पिता भी उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार की बात है, वैशाली का बर्थडे आने में अभी 1 महीना बचा था। वैशाली को अपने बर्थडे की बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी। जब उसके पापा खेत से काम करके लौटे तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आपको याद है ना मेरा बर्थडे आने वाला है। हाँ बिटिया रानी, मुझे अच्छे से याद है। मैं भला अपनी बिटिया रानी का बर्थडे भूल कैसे सकता हूँ। अच्छा बता, इस बार तुझे अपने बर्थडे पर क्या चाहिए? पिताजी इस बार आप मेरे बर्थडे पर स्ट्रॉबेरी, बटरस्कॉच और वेनिला तीनों फ्लेवर का केक लेकर आना। अरे बाप रे बाप, इतने सारे केक काटोगे तुम? हाँ पिताजी। तभी वहाँ पर वैशाली की माँ आती है और वैशाली के पिता से कहती है, हाँ हाँ आपने ही अपने लाड प्यार से सर पर चढ़ा रखा है इसको। हर दिन इसको बाहर का ही खाने को चाहिए होता है। अगर कभी बीमार पड़ गई ना तो इलाज कराने में हालत खराब हो जाएगी। पिताजी देखिए ना, माँ फिर से डांट रही है। खबरदार सुशीला, जो तुमने मेरी बेटी को डांट लगाई, और थोड़ा बहुत बाहर का खाने से थोड़ी ना कुछ होता है। मेरी बिटिया रानी को कुछ नहीं होगा। पापा अब बहुत अच्छे हैं। इस तरह दोनों बाप और बेटी में बहुत प्यार था। यदि वैशाली ने अपने पिता को 3 फ्लेवर का केक लाने को कहा था तो उसके पिता उसके लिए 3 फ्लेवर का केक जरूर लेकर आते। और ये बात वैशाली की माँ को अच्छे से पता थी। वो अक्सर अपने पति को वैशाली को बाहर का खाना खिलाने के लिए मना करती थी, परंतु वैशाली के कहने पर उसका पिता उसे बाहर की चीजें खिला ही दिया करता था। वैशाली का बर्थडे अब कुछ ही दिनों में आने वाला था। तभी अचानक से बिन मौसम बहुत तेज बरसात होने लगी। कई दिन हो गए पर बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस कारण गांव में हर जगह बहुत सारा पानी भर गया था। लोगों ने कुछ दिनों के लिए घर से निकलना ही बंद कर दिया। इसी बीच वैशाली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसके पेट में अचानक से बहुत दर्द होने लगा। माँ मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ करो ना माँ। पिताजी सच्ची में बहुत दर्द हो रहा है। वैशाली के ऐसा कहने पर उसके माता पिता दोनों चिंता में पड़ गए। हो गई ना तबीयत खराब, ना जाने इसके पेट में क्या हुआ होगा। पहले ही कहती थी बाहर की चीजें मत खिलाओ, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है। सुशीला ये समय ये बातें करने का नहीं है। वैशाली के पेट में दर्द हो रहा है, हमें इसको डॉक्टर के पास दिखाना होगा। लेकिन कई दिनों तक बरसात के कारण कोई डॉक्टर अपनी दुकान नहीं खोल रहा है, ऐसे में हम वैशाली को दवाई कैसे दिलवाएंगे। ये तो तुम सही कह रही हो, क्या किया जाए, बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही है। तेज बारिश के कारण वैशाली का पिता बाहर नहीं जा पा रहा था। इसी तरह 2 दिन बीत गए और बारिश ने रुकने का बिल्कुल नाम नहीं लिया। वैशाली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ए जी मेरी बेटी का कैसे भी इलाज करवाइए, कहीं से भी डॉक्टर को बुला कर लाइए। इसकी हालत पहले से खराब होती जा रही है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं इसके साथ अपने भी प्राण त्याग दूंगी। भगवान के लिए ऐसा मत कहो सुशीला, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम रुको, मैं किसी तरह डॉक्टर साहब के घर तक जाता हूँ और उन्हें बुला कर लाता हूँ। ऐसा कहकर सुशीला का पति तेज बारिश में घर से बाहर निकल गया। घर के बाहर बहुत सारा पानी भरा हुआ था। वो बड़ी मुश्किलों के साथ डॉक्टर साहब के घर तक पहुँचा। उसने डॉक्टर साहब का दरवाजा खटखटाया, तब अंदर से एक आवाज आई, कौन है बाहर, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, नहीं तो पानी घर के अंदर आ जाएगा। भाभी जी मैं डॉक्टर साहब को बुलाने आया हूँ, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, भगवान के लिए डॉक्टर साहब को मेरे घर भेज दीजिए। नहीं इतनी बारिश में डॉक्टर साहब कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें दिख नहीं रहा बाढ़ की आशंका हो रही है, और तुम डॉक्टर साहब को बुलाने आए हो, डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। वैशाली का पिता मायूस होकर वहाँ से लौट गया और दूसरे डॉक्टर के पास गया। वहाँ से भी उसको निराश होकर ही लौटना पड़ा। डॉक्टर की तलाश में वैशाली का पिता दूसरे गांव तक पहुँच गया। वहाँ उसे एक साध्वी औरत दिखी।
उसने वैशाली के पिता को मायूस देखकर उससे कहा, क्या बात है बेटा, इस तरह मायूस होकर कहाँ घूम रहे हो, और वो भी इतनी बारिश में। क्या बताऊं गुरु माँ, मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, कोई डॉक्टर इतनी बारिश में उसका इलाज करने जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, डॉक्टर की तलाश में मैं इस गांव तक आया हूं, मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। एक दो दिन बाद उसका बर्थडे आने वाला है, अपने बर्थडे के लिए वो कितनी खुश थी, लेकिन। अच्छा ऐसी बात है, तुम निराश मत हो बेटा, मेरे पास इसका एक उपाय है। यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर तुम्हें एक जादुई बर्थडे केक का पेड़ मिलेगा, तुम उस पेड़ से एक केक ले लेना, याद रहे केवल एक ही केक, उससे ज्यादा नहीं। वो केक जादुई होगा, उससे तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। आप सच कह रही हैं गुरु माँ? हाँ बेटा, कोई साध्वी या साधु कभी झूठ नहीं बोलता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, अभी मैं चलता हूँ, मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। ऐसा कहकर वैशाली का पिता साध्वी औरत के बताए हुए रास्ते पर जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे जादुई केक का पेड़ मिल जाता है। केक का पेड़ देखकर उसको थोड़ी हैरानी भी होती है और वो बहुत खुश भी होता है। वो उस पेड़ से एक केक तोड़ लेता है और उसे लेकर बड़े ही संघर्ष के साथ अपने घर पहुंचता है। घर पर उसकी पत्नी अपने पति के हाथों में केक देखकर क्रोधित हो जाती है और कहती है, आप तो डॉक्टर की तलाश में गए थे ना, तो फिर आप ये केक लेकर क्यों आए हैं? डॉक्टर कहाँ है? मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे भाग्यवान, ये कोई साधारण केक नहीं है, इस केक से हमारी बिटिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये केक मुझे एक जादुई केक के पेड़ से मिला है और इसका पता मुझे एक साध्वी औरत ने बताया था। तुम देखते जाओ, अभी हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर वैशाली का पिता केक से कहता है, हे जादुई केक, हम तुम्हारे बारे में जानते हैं कि तुम जादुई केक हो, प्लीज मेरी बेटी को ठीक कर दो। वैशाली के पिता के इतना कहते ही उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। पापा, मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया, अब मेरे पेट में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, इस जादुई केक ने तो सच में कमाल कर दिया। मेरी बच्ची, तू ठीक हो गई, जादुई केक तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। अब वैशाली बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। जादुई केक से कहकर वैशाली के माता पिता ने बारिश बंद करवा दी थी, इसलिए अब गांव का माहौल वापस पहले जैसा हो गया था। दो दिन बाद वैशाली का बर्थडे आ गया। उसके बर्थडे पर उसके पिता ने जादुई बर्थडे केक से उसके पसंद का सारा केक मांगा और उसके बर्थडे की पार्टी बहुत धूमधाम से मनाई। इसी तरह समय बीतता रहा। अब उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई बर्थडे केक से ही मांग लिया करते थे। वैशाली भी अब हर चीज की मांग उसी से करने लगी थी। धीरे धीरे उस पूरे परिवार में जादुई केक को लेकर लालच पैदा हो गया था। एक दिन वैशाली की माँ वैशाली के पिता से कहती है, सुनिए जी, हमारे पास जादुई केक है, हम इससे कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर हम इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए क्यों नहीं करते? इतना फायदा तो होता है हमारा इस केक से, हर छोटी बड़ी चीज हमें ये दे ही देता है। आप मेरी बात नहीं समझे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम इस केक से गांव के लोगों का इलाज करना शुरू कर दें, तो हमारे पास कितना पैसा आ जाएगा, हम तो माला माल हो जाएंगे। का तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, हम यही करेंगे। अब वो दोनों पति पत्नी मिलकर यही किया करते थे। गांव में जो भी बीमार होता और वो अपने जादुई केक से उसका इलाज कर दिया करते थे और बदले में उसे बहुत बड़ी रकम वसूलते थे। एक दिन की बात है, सुशीला अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारे गांव के लोग बहुत कम बीमार नहीं पड़ते हैं, एक दिन में सिर्फ एक या दो पेशेंट ही आता है, ऐसे कमाई करने में मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। सुशीला अपने पति के कान में कुछ खुसुर फुसुर करती है। उसका पति समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो गांव की टंकी के ऊपर चढ़ जाता है। उस टंकी से पूरे गांव में सप्लाई का पानी जाता था। वो उस टंकी में चूहे मरने की दवाई मिला देता है और वापस घर आ जाता है।
वो दोनों पति पत्नी ये कार्य करके बहुत खुश थे। अगले दिन से ही गांव के ढेर सारे लोग बीमार पड़ने लगते हैं और सभी उन दोनों के पास आकर अपना इलाज करवाने लगते हैं। एक दिन में उनके पास 50 से भी ज्यादा लोग आ जाया करते थे, जिसके कारण उनकी एक दिन में लाखों की कमाई होने लगी। चूहे की दवाई वाला पानी पीने की वजह से कई बुजुर्ग लोग और बच्चों की जान भी चली गई थी। परंतु इन सब चीजों से उन दोनों पति पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनकी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने कई दिनों तक ऐसा किया और उनके पास बहुत सारे पैसे हो गए। ए जी, हमारे पास तो बहुत सारा पैसा हो गया है। इन पैसों से हमारी सात पुश्ते बैठ कर खाएंगी, तब भी ये पैसा खत्म नहीं होगा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ये सारी बात वो दोनों पति पत्नी जादुई केक के सामने ही कर रहे थे। अचानक से जादुई केक काले रंग का हो जाता है। ये देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। अरे, ये जादुई केक काले रंग का क्यों हो गया? हे जादुई केक, तुम वापस अपने रंग में आ जाओ। सुशीला कई बार जादुई केक को ऐसा कहती है, परंतु वो काला का काला ही रहता है। जादुई केक का सारा जादू खत्म हो गया था। लालच में सुशीला अपने पति को साध्वी द्वारा बताए गए बर्थडे केक के पेड़ के पास भेजती है, लेकिन वहां से पेड़ भी गायब हो चुका था। दुखी होकर सुशीला का पति वापस घर आ जाता है। उसके वापस घर आते ही बहुत तेज बारिश होने लगती है। ये सब क्या हो रहा है सुशीला? पता नहीं जी, लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब हम वापस जाकर उसे ठीक भी नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है जादुई केक अब हमें दंड देगा। तभी उन्हें वैशाली की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। जब वो उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि वैशाली ने चूहे की दवाई वाला पानी पी लिया है, जिस कारण उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और बारिश के कारण कोई डॉक्टर भी उनके घर आने को तैयार नहीं होता। देखते ही देखते वैशाली की मृत्यु हो जाती है। वैशाली की मृत्यु का सदमा उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी अपनी बेटी के साथ चल बसती है। सुशीला और वैशाली दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और सुधीर अपनी पुरानी गलतियों को कोसता रह जाता है और ये सोचता रह जाता है कि काश उसने लालच ना किया होता तो आज उसका परिवार सही सलामत होता। इस तरह जादुई केक ने सुधीर को ये एहसास कराया कि जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो कैसा एहसास होता है। ये कहानी एक गरीब परिवार की बेटी की है, जिसके पिता का नाम विमल था और बेटी का नाम मोहिनी था। मोहिनी अपने पिता के साथ रहती थी। जब वो 5 वर्ष की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पिता विमल ने अकेली ही मोहिनी को पाला था। मोहिनी दिखने में बचपन से ही बहुत सुंदर थी और पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। मोहिनी के पिता दूसरे गांव में एक सेठ के पास काम करते थे। अरे विमल, अरे कहाँ मर गया तू? जल्दी मेरे जूते ला, देर हो रही है। मुझे सुरजीत के स्कूल जाना है। आज मेरे बेटे की परीक्षा का परिणाम आने वाला है। ये लीजिए सेठ जी, आपके जूते। इसके बाद सेठ तैयार होकर स्कूल चला जाता है, लेकिन जब उसको अपने बेटे का परिणाम मिलता है तो वो गुस्से में घर आता है और अपने बेटे को खूब डांटता है, क्योंकि उसके बेटे के परीक्षा में बहुत कम नंबर आए थे। और दूसरी तरफ विमल अपने घर जाता है तो उसकी बेटी मोहिनी जल्दी से उसके पास आती है और अपने परीक्षा का परिणाम दिखाती है। पिताजी, आपको पता है मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई हूँ। अरे वाह मेरी बेटी, शाबाश। विमल और मोहिनी बहुत खुश थे क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। समय बीतता गया, मोहिनी बड़ी हो चुकी थी और अब वो कॉलेज जाने लगी थी। दूसरी तरफ सेठ का बेटा सुरजीत भी बड़ा हो गया था और वो मोहिनी के साथ ही उसके कॉलेज में पढ़ता था। लेकिन सुरजीत कॉलेज में पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था और पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। एक दिन मोहिनी के पिता मोहिनी से कहते हैं, बेटी मुझे खाना दे दो, मुझे जल्दी जाना है, सेठ ने आज मुझे जल्दी बुलाया है। पिताजी, लेकिन खाना नहीं बना है तो मैं अभी जल्दी से बना देती हूँ। कोई बात नहीं बेटी, तो मैं चलता हूँ, नहीं तो सेठ गुस्सा करेंगे, मैं बाहर कुछ खा लूंगा।
विमल सेठ जी के घर जाने के लिए निकल जाता है। इधर मोहिनी खाना बना लेती है और मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं पिताजी को खाना सेठ जी के घर ही दे आऊं और वहीं से कॉलेज चली जाऊंगी। मोहिनी सेठ के घर जाती है लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी वहां पर सुरजीत आ जाता है और मोहिनी को देखकर कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? जी मेरा नाम मोहिनी है, मेरे पिताजी आपके यहाँ काम करते हैं, मैं उनको खाना देने आई हूँ। अच्छा तो तुम विमल अंकल की बेटी हो, तुम खाना मुझे दे दो, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा, क्योंकि विमल अंकल पिताजी के साथ कहीं गए हैं। मोहिनी सुरजीत को खाना देकर निकल ही रही थी कि तभी सुरजीत कहता है, मोहिनी मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मुझे अपने कॉलेज जाना है। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो तुम? सुरजीत को पता चलता है कि मोहिनी उसी के कॉलेज में पढ़ती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे साथ ही चल सकती हो, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। इसके बाद सुरजीत मोहिनी को अपनी बाइक पर बिठाकर अपने साथ कॉलेज ले जाता है। ऐसे ही वो हर रोज कॉलेज में मिलने लगे और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन मोहिनी सुरजीत से कहती है, सुरजीत हम लोग शादी कब कर रहे हैं? तुम्हारे पिता शादी के लिए राजी तो हो जाएंगे ना? हाँ पिताजी को तो मैं चुटकियों में मना लूंगा, और वैसे भी पढ़ने में होशियार और इतनी सुंदर बहू कहीं नहीं मिलेगी उनको। कुछ दिन बीतने के बाद सुरजीत अपने पापा से शादी के लिए बात करने जाता है। पिताजी मैं एक लड़के से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो लड़की, उसका परिवार कैसा है? पिताजी वो विमल अंकल की बेटी है। क्या, अपना नौकर विमल की बेटी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तो उस नौकर की बेटी को इस घर की बहू बनाना चाहता है? पिताजी वो बहुत अच्छी लड़की है, वो पढ़ने में भी बहुत होशियार है और सुंदर भी है। तुम मुझे ये सब बातें मत सिखा, मैं तेरी शादी किसी बड़े घर में करना चाहता हूँ, और वो नौकर की बेटी इस घर में कभी नहीं आएगी। सुरजीत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विमल जब सेठ के यहाँ काम करने आता है तो सेठ विमल को बहुत भला बुरा कहता है और उसे काम से निकाल देता है, और विमल बेचारा दुखी होकर घर चला जाता है। विमल जब घर पहुंचता है तो मोहिनी अपने पिता से कहती है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? इसके बाद विमल मोहिनी को सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि सेठ ने उसे काम से निकाल दिया है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब हो रहा है ना? दूसरी तरफ सुरजीत मोहिनी के प्यार में पागल हो चुका था। वो बस मोहिनी से ही शादी करना चाहता था और उसके पिता तो बस यही सोच रहे थे कि उस गरीब लड़की से अपने बेटे की शादी होने से कैसे बचाए। कुछ दिन बीत गए लेकिन अपने बेटे की जिद के कारण सेठ को विमल के घर रिश्ता लेकर जाना ही पड़ा। एक दिन सुबह सुबह सेठ विमल के घर जाता है। मोहिनी देख तो दरवाजे पे कौन है? पिताजी सेठ जी आए हैं। इसके बाद सेठ विमल से शादी की बात करता है और विमल शादी के लिए मान जाता है। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन सेठ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे पता था कि विमल से उसे दहेज में कुछ नहीं मिलेगा। शादी का दिन आ चुका था, सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे और बारात आने का समय भी हो गया था। विमल की जो भी जमा पूंजी थी उसने अपनी बेटी की शादी में लगा दी थी। घर के बाहर बारात आ चुकी थी, सब बहुत खुश थे। तभी सेठ विमल को अपने पास बुलाता है और अकेले में बात करने को कहता है। इसके बाद विमल और सेठ एक कमरे में चले जाते हैं। सुन विमल, अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से तभी कराऊंगा जब तू मुझे दहेज में अपनी बेटी को 5 लाख रुपए देगा। सेठ जी आप ये क्या कह रहे हैं, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? आपको तो सब पता है, मैंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा दी। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ इस छोटे से कमरे के अलावा। मुझे कुछ नहीं पता, तेरी बेटी की डोली यहाँ से तभी उठेगी जब तू उसे दहेज में 5 लाख रुपए देगा। विमल अपनी पगड़ी उतारकर सेठ के कदमों में रखता है और कहता है कि अब उसके घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। मुझे कुछ नहीं पता, अगर तू पैसे नहीं दे सकता तो तू इस घर को मेरे नाम कर दे। विमल बेचारा बहुत रोता है, अपने घर के कागजात सेठ को दे देता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। उनकी ये सब बातें मोहिनी सुन चुकी थी। सुरजीत जब मोहिनी को हार पहनाने लगता है तभी मोहिनी कहती है,
रुको सुरजीत, मुझे ये शादी नहीं करनी। जो एक पिता का दर्द नहीं समझ सकते, कैसे अपनी पूरी उम्र की कमाई उसने अपनी बेटी की पढ़ाई में, अपनी बेटी की शादी में लगा दी और इतने प्यार से पाली हुई बेटी को एक बाप किसी दूसरों के हाथों में सौंप देता है, ये सोचकर कि शायद दूसरा परिवार भी उसको उतना ही प्यार देगा जितना कि उसके पिता उससे करते हैं। ऐसा सोचकर एक पिता अपनी बेटी की शादी एक अनजान जगह पर कर देते हैं। लेकिन सुरजीत, तुम्हारे पिता जैसे लोगों की जगह जेल में है। चलो सुरजीत, हमें ऐसे एक गरीब परिवार में शादी नहीं करनी। मोहिनी, मुझे तो कोई दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुमसे शादी करनी है। ठीक है सुरजीत, अगर तुमको इससे शादी करनी है तो तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है और सुरजीत मोहिनी से शादी कर लेता है। इसके बाद सुरजीत अपने बैंक में से पैसे निकाल कर एक घर बनाता है, उसमें मोहिनी के पिता और मोहिनी को लेकर हंसी खुशी रहने लगता है।